नोवेल क्रिएशन के प्लेटफॉर्म से आप सुनने और पढ़ने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं, अल्लाह ताला आपको हर आफत हर मुसीबत से महफूज रखे और हमेशा आप पर अपनी करम नवाजियाँ करता रहे। जन्नत के पत्ते एपिसोड नंबर 10। तो जहाँ सिकंदर और हया आपस में बातें कर रहे हैं, थोड़ी सी मिस हैपनिंग हो गई थी लास्ट एपिसोड में जहान के वालिद सिकंदर की तरफ से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सामने सब्जा था, इससे आगे सफ़ेद लकड़ी की बाड़ और बाड़ से ही बना गेट। बाड़ के तख्तों की दर्जों से बाहर गीली सड़क दिखाई देती थी। नम हवा घास पर से सरसराती हुई गुजर रही थी। वो घुटनों के गेट बाजुओं का हल्का बनाए चेहरा जहान की जानी मोड़े बैठी थी। फ्रॉक का फर्श को छूता दामन हवा की लहरों से फड़फड़ाता हुआ ऊपर उठ जाता तो पजामे की तंग चूड़ियों में मुकैद चौहने और पांव छलकते। मेरा भी दिल करता है कि मैं पाकिस्तान जाऊं, अपने रिश्तेदारों के दरमियान रहूं, अपना आबाई घर देखूं, मगर हम पाकिस्तान नहीं जाते। और तुम उस दिन मम्मी को ताना दे रही थी हम पाकिस्तान नहीं आते। उफ, इतना झूठ न, न, नहीं वो गड़बड़ा गई, मगर वह सुन नहीं रहा था। हया, हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते। मगर क्यों? वो सन्नाटे में रह गई। वह चंद लम्हे चुप रहा, फिर आहिस्ता से कहने लगा, मेरे दादा अपने कारोबार के सिलसिले में इस्तांबुल आया करते थे। इस घर की उन्होंने ही खरीदारी की थी। बाद में अब्बा ने इधर घर फरमाया, तब वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यहाँ पोस्टेड थे। मैं इस्तांबुल में ही पैदा हुआ था और अब्बा की दोबारा इस्लामाबाद पोस्टिंग होने के बाद भी मैं और मम्मी इधर दादा के साथ रहते थे। मेरे दादा बहुत अच्छे, बहुत अजीम इंसान थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, दीन, दुनिया, इज्जत, बहादुरी और वक़ार से जीने और शान से मरने का सबक उन्होंने ही मुझे दिया था। मैं 8 साल का था जब वो फोत हुए, तो मैं और मम्मी कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आ गए और तब ही वो वाकया हुआ जिसने हमारी ज़िंदगी बदल दी। हया का सांस रुक गया, तब ही तो इनका निकाह हुआ था, तो क्या वो बाखबर था? हया की खुशफहमियाँ, जिन दिनों मैं और मम्मी पाकिस्तान में थे बल्कि तुम्हारे घर में थे, अब्बा आनंद फानंद तुर्की फरार हो गए। फरार इसलिए कि उन्होंने एक हसास मकाम के ब्लूप्रिंट्स इनको बेच दिए थे जो हमेशा ख़रीदने के लिए तैयार रहते थे। सबूत उन्होंने कोई नहीं छोड़ा, मगर तफ्तीश शुरू हुई तो बहुत कुछ खुलने लगा। अब्बा ने तुर्की से ही अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। पीछे अदालत में मुकदमा चला और वो गद्दार ठहराए गए। इनके जराइम की फहरिस्त खासी तवील थी। इनको सजाए मौत सुना दी गई और उन्होंने तुर्की में सियासी पनाह हासिल कर ली। कुछ ताल्लुकात काम आए और कुछ रिश्वतें। अब्बा को तुर्क हुकूमत कभी डिपोर्ट ना कर सकी, ना ही इंटरपोल ने कोई कदम उठाया। मुख्तसरन, अब्बा जिस दिन पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे वो गिरफ्तार हो जाएंगे और इनको फांसी दे दी जाएगी। ये बात तुम्हारे वालदैन को पता है, मगर बदनामी के डर से किसी को बताई नहीं जाती। वो किसी भी जज्बे से आरी निगाहों से सामने बाढ़ को देखता रहा था। हया इक्टिक इसे देखे गई। इसके घर में फूफो के शोहर का जिक्र कोई नहीं करता था, शायद दानिस्ता तौर पर ऐसा किया जाता था। मैं एक गद्दार का बेटा हूँ, मेरा बाप एक मुल्क दुश्मन है। इस जिल्लत के बावजूद हम अब्बा के साथ रहने पर मजबूर हैं। एहसास जुर्म है या कुदरत की तरफ से सजा? वो वक्त गुजरने के साथ साथ अपना जहन खोते जा रहे हैं। सजाए मौत का खौफ इनके लिए नासूर बनता जा रहा है। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया इस पे इनको माफ़ कर देना, वो मेरे बाप हैं। और बावजूद इसके कि ये हकीकत बहुत जगह मेरा सर झुका देती है, मैं इनसे मोहब्बत करने पे मजबूर हूँ। हया ने गहरी सांस ली। इसके किसी किस्से में इसका किस्सा नहीं था, किसी दास्तान में इसकी दास्तान ना थी। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, आज खाना खा कर जाना। वो उठा और दरवाज़ा खोल कर अंदर चला गया। शायद वो अभी सिर्फ तन्हाई चाहता था। हया गर्दन मोड़ कर इसे जाते हुए देखने लगी। वो नंगे पांव लकड़ी के फर्श पे चलता सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। हया, खदीजा, नाली ने इन्हें इस वक्त पुकारा जब वो दोनों डीजे के बंक पर बैठी इसकी शॉपिंग पर तबसरा कर रही थी। वो 14 फरवरी की दोपहर थी और तुर्की आए 8वां रोज था और डीजे जो वैलेंटाइन डे की रौनक देखने आज नाकसम गई थी, मायूस लौट आई थी। पाकिस्तान के बरक्स तुर्क हर काम छोड़कर सुरख रंग में नहीं नहा जाते, बल्कि सिवाय सुर्ख फूलों की फरोख्त के इस्तांबुल में वैलेंटाइन डे के कोई आसार ना थे। जब डीजे
खूब मायूस हो चुकी तो उसने ये कहकर अपने ख्यालात में तरमीम कर ली कि भाड़ में गया सेंट वैलेंटाइन, हमें इस त्यौहार से क्या लेना देना। इनकी इस गुफ्तगू में मखल होने वाली इसराइली एक्सचेंज स्टूडेंट थी। हाँ, वो दोनों झुककर नीचे देखने लगी जहाँ टाली इनके बंक से नीचे लटकती सीढ़ी के साथ खड़ी थी। वो लड़के तुम्हारा पूछ रहे थे। हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और फिर टाली को। कौन से लड़के? वो फलस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट्स जो सात वाले रूम में रहते हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे कि वो पाकिस्तानी लड़कियां कैसी हैं और ये कि इनको कोई मसला तो नहीं है, और ये भी कि तुम दोनों आज की शाम की चाय कॉमन रूम में इनके साथ पियो, वो तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। ओके बाय। एक इसराइली मुस्कुराहट इनकी तरफ उछालती वो हाथ हिलाकर बाहर निकल गई। ये फ़लस्तीनियों को हमारा ख्याल कैसे आ गया? इस नाली के दरख्त से दिल भर गया होगा शायद, डीजे ने क्या सराई की। बको मत, वो हमें सिर्फ मुसलमान बहनें समझकर बुला रहे होंगे। इतने हैंडसम लड़कों की बहन बनने पर कम अज़ कम मैं तैयार नहीं हूँ। ये भाईचारा तुम्हें मुबारक हो, डीजे बिदक उठी थी। चलो फिर तैयार हो जाएं ताकि वक्त पर पहुँच सके। हया लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। सिर्फ हमें बुलाया है, हमें ही बुलाया है, या ये अरब इसराइल दोस्ती की जिंदा मिसाल भी मौजूद होगी? डीजे का इशारा टाली की तरफ था। पता नहीं, हया ने शाने उछका दिए। वो अलमारी से कपड़े निकालने लगी। हर मौके की मुनासिबत से मुकम्मल ड्रेसिंग करना इसका जुनून था। कपड़ों पे एक सलवट तक ना हो और मेकअप की एक लकीर ऊपर नीचे ना हो, वो हर बात का ख्याल रखती थी। अलबत्त लड़कों की दावत पे जाने की इजाज़त पाकिस्तान में अब्बा या ताया फुरकान ना देते, मगर वो इधर कौन सा देख रहे थे, ये तुर्की था और यहाँ ये सब चलता था। दो तीन लड़के थे, मोतसम, अलमुर्तज़ा, हुसैन और मोमिन। इनके साथ वो फ़लस्तीनी दोस्त मोहम्मद वक़ार और नजीबुल्ला जाती दावत के शुरू में मौजूद रहे, फिर उठकर चले गए। मगर इन तीनों मेज़बानों ने अहसन तरीके से मेज़बानी निभाई। वो तीनों स्मार्ट और गुड लकिंग से लड़के एक जैसे लगते थे। मोतसम इनमें ज़रा लंबा लगता था, इसका नाम मोतसम अलमुर्तज़ा था, मगर ये डीजे ने बाद में नोट किया कि वो फेसबुक पे अपना नाम मोतसम एंड मुर्तज़ा लिखता था। वजह इन्हें कभी समझ नहीं आई। हुसैन और मोतसम इन दोनों को बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह ट्रीट कर रहे थे। अलबत्त इस भाईचारे से मोमिन मुत्तफिक ना था। वो फ्लर्टी, नज़रबाज सा लड़का कुछ भी था, मोमिन ना था। अलबत्त वो दोनों इसको अपनी मौजूदगी में सीधा किए हुए थे। वो दोनों इतने मिलनसार और महज़ब लड़के थे कि हया को अपने सारे कज़न्स इनके सामने बेकार लगे। अलबत्त जहान की बात और थी, उसने फ़ौरन अपनी राय में तरमीम की। अगले हफ्ते हुसैन का बर्थडे है, हुसैन मोबाइल पे फ़ोन सुनने बाहर गया तो मोमिन ने बताया। फिर तो हमें इसे ट्रीट देनी चाहिए, डीजे सोच कर बोली, और गिफ्ट भी हया को ख्याल आया। हम दोनों इसके लिए घड़ी ख़रीदने का सोच रहे हैं, और जो हमने जवाहर में देखी है 130 लीरास की है। मोतसम ने चाय का आखिरी घूंट पीकर कप मेज पर रखा। यानी कि पाकिस्तानी रुपयों में, हया ने सोचते हुए पर्स में हाथ डाला ताकि मोबाइल के कैलकुलेटर से हिसाब कर सके, 7,150 पाकिस्तानी रुपये। मोतसम झुक कर पेस्ट्रीज की प्लेट से एक टुकड़ा उठाते हुए बोला। हया का पर्स को खंगालता हाथ रुक गया। उसने हैरत तो बेचैनी से मोतसम को देखा। तुमने इतनी जल्दी हिसाब कैसे किया? मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, वो झीम कर मुस्कुराया। और मोतसम का एक ही ख्वाब है कि वो मैथ्स में नोबल प्राइज़ ले, मोमिन हया के हाथों को देखते हुए कहने लगा। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मोतसम से आंख बचाकर हया के सरापे का जायज़ा ले लेता था। हया कदरे रुख मोड़ कर मोतसम की तरफ मुतवज्जो हुई। तो मैथ्स के स्टूडेंट, जल्दी से बताओ कि इस महंगी घड़ी को ख़रीदने के लिए अगर हम चारों पैसे तकसीम करें तो हर एक के हिस्से में कितने? 32 लीरा और 50 क्रश। ओके, हया ने गहरी सांस ली और पर्स खोला। इनको पैसे उन्होंने ज़बरदस्ती थमाए। मोमिन को तो कोई एतराज़ ना था, मगर मोतसम इनसे रकम लेने पे मुतजब्ज़ब था। मगर ये एक अनकही बात थी कि बग़ैर स्कॉलरशिप के इस्तांबुल जैसे महंगे शहर में वो सबसे इतना ही अफोर्ड कर सकते थे। वो तीनों जवाहर के लिए निकल रहे थे। मोतसम ने बताया कि वो अभी हसैन से नज़र बचा कर घड़ी खरीद लाएँगे। इनको भी साथ चलने की पेशकश की, और डीजे हाँ करने ही वाली थी कि हया ने इसका पाँव अपने जूते से ज़ोर से कुचलते बज़ाहिर मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। नहीं, आप लोग जाएं, हम आज ही होकर आए हैं। वो तीनों चले गए तो डीजे ने बुरा सा मुंह बनाकर इसे देखा। तुमने इनकार क्यों किया?
पागल औरत, तुम पाकिस्तान से आई हो या न्यूयॉर्क से? इनकी दावत कबूल कर ली, यही बहुत है। अब हम इनके साथ सैर सपाटों पे भी निकल जाए, कभी नहीं। दिमाग ठीक है? मगर वो तो हमारे भाइयों की तरह है। पिछले हमारे असली भाइयों को पता चला तो कल ही पाकिस्तान वापस बुलवा लेंगे। इसलिए अपनी औकात में वापस आओ और रात के खाने की तैयारी करो। वो मोबाइल के साथ नथी हैंड्स फ्री कानों में लगाते हुए बोली। जहर मिला के दूंगी तुम्हें, डीजे बनाती हुई पैर पटक कर उठी। और अगर तुम चावलों पे ऑमलेट डालकर लाई तो मैं सारी डिश तुम्हारे ऊपर उलट दूंगी। वो वहीं सोफे पर लंबी बैठी अब मोबाइल के बटन दबा रही थी। धीमा म्यूजिक इसके कानों में बजने लगा। डीजे गुस्से में बहुत कुछ कहती गई थी मगर इसे सुनाई नहीं दे रहा था। वो आंखें मूंदे होले होले पांव झल्लाने लगी। डीजे पैर पटक कर बाहर निकल गई। वो रात वैलेंटाइन डे की रात थी। डीजे कॉमन रूम में मनक़िदा ऑल गर्ल्स पार्टी में जा चुकी थी जो लड़कियों ने मिलकर दी थी, जबकि हया आईने के सामने खड़ी अपना काजल दुरुस्त कर रही थी। इसकी तैयारी मुकम्मल थी लेकिन जब तक वो अपनी आंखों के कटोरे काजल से भर न लेती इसे तसल्ली नहीं होती थी। अभी वो काजल की सलाई के नोक आंख के किनारे से रगड़ ही रही थी कि दरवाज़ा बजा। धीमी सी दस्तक और फिर खामोशी। उसने काजल की सलाई नीचे की और पलट कर देखा। ये अंदाज डीजे का तो नहीं था। वो यूं ही काजल पकड़े आगे बढ़ी और नॉब घुमाकर दरवाज़ा खोला। बाहर बालकोनी में रोशनी थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला बालकोनी तारीख हो गई। गालिबन सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब बुझ गया था। क्या कोई आकर वापस पलट गया था? कौन? उसने गर्दन आगे करके राहदारी में दोनों सिमत देखा। हर सू खामोशी थी। बालकोनी वीरान थी। वहाँ सर्दी थी और अंदर कमरा गर्म था। वो चंद सानिए खड़ी रही फिर धीरे से शाने उचकाकर पलटने ही लगी थी कि ओ नहीं, इसके लबों से एक उकताई हुई कराह निकली। चौखट पे इसके कदमों के साथ सफ़ेद गुलाबों का बुके और एक बंद लिफाफा रखा था। वो झुकी, दोनों चीज़ें उठाए और जारहाना अंदाज में लिफाफे का मुंह फाड़ा। अंदर रखा चकोर कागज़ निकाला और चेहरे के सामने किया। हैप्पी वैलेंटाइन डे फ्रॉम योर वैलेंटाइन। उसने लब बींच कर तनफर से वो तहरीर पढ़ी और फिर बेहद गुस्से से कागज़ मरोड़ कर गुलदस्ते समेत पूरी कुव्वत से राहदारी में दे मारा। आउच! वो वापस मुड़ने ही लगी थी जब किसी की बखलाई हुई आवाज़ सुनी। उसने चौंक कर पीछे देखा। गुलदस्ता और कागज़ सीधे हाथ वाले कमरे से निकलते मोतसम को जा लगे थे और इससे टकरा कर अब इसके कदमों में पड़े थे। ये क्या है? वह हक्का पक्का खड़ा था। आई एम सॉरी मोतसम, वो शदीद बेजारी से बामुश्किल जब्त करके बोली। मोतसम को वजाहत देने का सोच कर ही इसे कोफ्त होने लगी थी। ये मैंने तुम्हें नहीं दिए बल्कि किसी फजूल इंसान ने मुझे भेजे हैं। तुम बुरा मत मानना और इनको डस्टबिन में फेंक देना। वो एक हाथ से दरवाजे पर रखे दूसरे में काजल पकड़े ज़रा रुखाई से बोली। मोतसम ने झुककर वो कागज़ उठाया और सीधे होते हुए इसकी शिकने दुरुस्त करके चेहरे के सामने किया। हया को मैं कह रही हूँ ना सॉरी, वो जो कदरे भुए सकुड़े कागज़ को देख रहा था चौंक कर इसे देखने लगा। नहीं इट्स ओके, मगर ये तुम्हें सबांजी में कोई तंग कर रहा है? वो तहरीर पे निगाहें दौड़ाते तशवीश से पूछ रहा था। ये बात नहीं है, ये बहुत पहले से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लंबी कहानी है, जाने दो, इसको कूड़े में फेंक देना। गुड नाइट। वो मजीद मरवत का मुजाहरा किए बगैर दरवाज़ा बंद करने लगी थी जब वो होले से बोला, ये गीला क्यों है? तुम रोई हो? कुछ था इसकी आवाज़ में। दरवाज़ा बंद करती हया की फिर पट नीम वा किए और बालकोनी में कदम रखा। मैं क्यों रोऊंगी? वो कागज़ को देखते हुए बोली। मोतसम कागज़ के निचले दाएं तरफ किनारे पर उंगली फेर रहा था। फिर ये गीला क्यों है? शायद फूलों में पानी था। हया ने मकान की अंदाज में नफी में गर्दन हिलाई। नहीं, ये तो मोटे लिफाफे में मोहर बंद था। मोतसम ने वो नम हिस्सा नाक के करीब ले जाकर आंखें मूंदी, सांस को अंदर खींची। सिट्रस, लेमन, लाइम, वो मुतजब्ब सा हया को देखने लगा। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी ने इसके निचले किनारे पे लेमन का रस लगाया है। फिर उसने ज़रा चौंक कर हया को देखा। तुम्हारे पास माचिस हैं? वो जवाब दिए बिना उल्टे कदमों पीछे आई और दरवाज़ा पूरा खोलकर एक तरफ हो गई। मोतसम कदरे झिझका फिर कागज़ पकड़े अंदर दाखिल हुआ। हया ने अपनी और डीजे की कुर्सियां आमने सामने रखी और फिर टाली की मेज़ पर चीज़ें उलट पुलट करने लगी। क्या तुम भी बचपन में लीमो के रस और आग वाला खेल खेलते थे? वो अब मेज़ की दराज खोल कर कुछ ढूंढ रही थी।
मोतसम धीरे से हंसा। बहुत खेल खेले हैं और इनमें से अक्सर आग वाले होते थे। फलस्तीन में बहुत आग है, शायद तुम ना समझ सको। चलो आज इन तुर्कों के खेल इसराइली आग से खेलते हैं। वो दराज से एक सिगरेट लाइटर निकालकर इसके सामने कुर्सी पर आ बैठी और लाइटर इसकी तरफ बढ़ाया। मोतसम ने लाइटर का पहिया अंगूठे से दबाकर घुमाया तो आग का नीला शोला जल उठा। एहतियात से, वो बे एहतियार कह उठी। मोतसम ने जवाब नहीं दिया। वो खत के नम हिस्से को, जो अभी तक नहीं सूखा था, शोले के करीब लाया। ज़रा सी तपश मिली और अल्फाज उभरने लगे। बड़े बड़े करके लिखे अंग्रेजी के तीन हरूफ ARP, वह हरूफ आइन फ्रॉम योर वैलेंटाइन के नीचे लिखे थे। दोनों चंद लम्हे कागज़ के टुकड़े पे उभरे भूरे हरूफ को तकते रहे, फिर एक साथ गर्दन उठाकर एक दूसरे को देखा। आर्प, एरब, कैसा लफ्ज है ये? हया ने मुमकिना अदायगी के दोनों तरीकों से हरूफ को मिलाकर पढ़ा। शायद कोई नाम। क्या आरब कोई तुर्क नाम है? मालूम नहीं, मोतसम ने शाने उछका दिए। हया सोचती निगाहों से कागज़ को तकती रही। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? उसने एक नज़र मोतसम को देखा, फिर मुस्कुराई। तुम कर चुके हो, वो होले से मुस्कुरा कर खड़ा हुआ और कागज़ मेज़ पर रखा। वो जो भी है, शायद तुम्हें अपना नाम बताने की कोशिश कर रहा है। वो कौन हो सकता है, ये तुम बेहतर समझ सकती होगी। मुझे अब चलना चाहिए। थैंक यू मोतसम। मोतसम ने ज़रा सी सर को जुम्बिश दी और बाहर निकल गया। दरवाजे का कैचर सुस्त रवि से वापस चौखट तक जाने लगा। हया चंद लम्हे मेज़ पर रखे किनारे से भूरे हुए कागज़ को देखे गई। फिर भी एख्तियार किसी मकान की अमल के तहत उसने हाथ में पकड़ी काजल की सिलाई को सीधा किया और बाई हथेली की पुश्त पर दो तीन हरूफ उतारे। ARP। दरवाज़ा चौखट के साथ लगने ही वाला था। ज़रा सी दर्ज से बाहर राहदारी में गिरा गुलदस्ता दिखाई दे रहा था। एक दो पल मजीद गुजरे और ज़ोरदार ठा की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। वो अपनी हथेली की पुश्त पे स्याह रंग में लिखे दो तीन अल्फाज देख रही थी। ARP। उसने ऊपर बने कैबिनेट का दरवाज़ा खोला, चंद डिब्बे उलट पुलट किए। निचले खाने में सुरख मिर्चों का डिब्बा नहीं था। वो एड़ियाँ उठाकर ज़रा सी ऊंची हुई और ऊपर वाले खाने में झांका। वहां सामने एक प्लास्टिक के बेरंग डिब्बे में सुरख पाउडर रखा नजर आया। उसने डिब्बा निकाला और काउंटर की तरफ आई। वहां डीजे खड़ी स्लैब पे कटिंग बोर्ड के ऊपर प्याज रखे खटाखट काट रही थी। इसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बिरयानी की मकदार ज़्यादा है, चार चम्मच सुरख मिर्च डाल देती हूँ, शायद ज़रा सा जायका आ जाए। ठीक, वो खुद कलामी के अंदाज में कहती टोकरी से छोटा चम्मच ढूंढने लगी। हाँ ठीक। डीजे ने बीगी आंखें ऊपर उठाकर इसे देखते हुए रुंधी आवाज में कहा और आस्तीन से आंखें रगड़ी। हया अब डब्बे से चम्मच भर भर कर धुएं उड़ाते पतीले में डाल रही थी। बालों का ढीला सा जूड़ा इसके पीछे गर्दन पर झूल रहा था। सादा शलवार कमीज पे ढीला डाला सा सबस स्वेटर पहने हुए थी, जिसकी आस्तीनें उसने कोहनियों तक मोड़ रखी थी। दुपट्टा एक तरफ दरवाजे पे लटका था और चंद लटे जूड़े से निकलकर चेहरे के अतराफ में लटक रही थी। गोश्त में चमचा हिलाती वो बहुत मसरूफ लग रही थी। वो दोनों इस वक्त अंजुमबाजी के किचन में मौजूद थी। सुबह अंजुमबाजी डीजे को डाइनिंग हॉल में मिली तो शाम को अपने घर में दावत दे डाली, जो कि डीजे ने ये कहकर कबूल कर ली कि वो और हया मिलकर बिरयानी बनाएंगी। अब सरे शाम ही वो दोनों हाले को लेकर अंजुमबाजी के अपार्टमेंट आ गई थी। एक बेडरूम, लाउंज और किचन पर मुश्तमिल वो छोटा मगर बेहद नफीस और सलीके से सजाया अपार्टमेंट था। हाले को उन्होंने लाउंज में अंजुमबाजी के साथ ही बैठा रहने दिया और खुद किचन में आकर काम में मसरूफ हो गई। ये पेंटिंग जवेद जी लाए थे इंडिया से। अंदर लाउंज में अंजुमबाजी की हाले को मतले करती आवाज़ आ रही थी। डीजे, ये जवेद जी क्या है? उसने कदरे उलझ कर पूछा। इनका मतलब है जावेद जी, इनके हैजबैंड, डीजे ने सरपोशी की तो वो ओ कहकर मुस्कुराहट दबाती पलट कर उबलते चावलों को देखने लगी। जिस वक्त अंजुमबाजी और हाले किचन में दाखिल हुई, हया पतीले का ढक्कन बंद कर रही थी। आहट पर पलटी और मुस्कुराई। बस दम दे रही हूँ। बहुत ख़राब हो तुम दोनों, मुझे उठने ही नहीं दिया। बस अब आपको खाने के वक्त ही उठाना था। वो जावेद भाई आ गए,
वो हाथ धोकर तौलिए से साफ करती डीजे के पास आई। डीजे का सलाद अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था, अब कहीं जाकर वो टमाटरों तक पहुंचे थे। बस आने वाले हैं, लाओ ये सलाद तो मुझे बनाने दो। नहीं मैं कर लूँगी, थोड़ा सा रह गया है, डीजे ने बड़ी बेफिक्री से कहा तो उसने जताती नज़रों से इसे घूरा। आपने इस थोड़े में भी सुबह कर देनी है, लाओ मुझे दो और प्लेटें लगाओ। उसने टमाटर और छुरी डीजे के हाथ से ले ली। हाले असखुद नहायत फुर्ती से सारा फैलाव समेटने में लगी हुई थी। वो मैले बर्तन अब सिंक में जमा कर रही थी। वो इन कभी कभी काम करने वाली पाकिस्तानी लड़कियों की निस्बत बहुत तेज़ी से हाथ चला रही थी। डीजे कैबिनेट से प्लेट्स निकालने लगी और अंजुम बाजी रायता बनाने लगी। हया ने टमाटर को कटिंग बोर्ड पे बाएं हाथ से पकड़ कर रखा और छुरी रख कर दबाई। दो सुरख टुकड़े अलग हो गए और ज़रा सा सुरख रस बाएं हथेली की पुश्त पे बह गया, जहाँ काजल से लिखे तीन बड़े बड़े हरूफ थे ARP। वो दो तीन रोज से इस ARP के मतलब सोचे जा रही थी। अब भी कुछ सोच कर उसने गर्दन उठाई। अंजुम बाजी, दही को कांटे की मदद से फेंटे। अंजुम बाजी ने हाथ रोककर इसे देखा। आपने किसी अरब के मतलब सुना है? अरब? अंजुम बाजी ने हैरत भरी उलझन से दोहराया। जी अरब, ARP, उसने वजाहत के लिए हिज्जे करके बताया। ओह नोट अगेन हया प्लीज, हाले जो सिंक के आगे खड़ी थी कदरे उकता कर पलटी। इसके हाथ में जाग भरा स्पंज था। तुम फिर वही मौजू लेकर बैठ गई हो, इसके अंदाज में खफ्ती भरा एहतजाज था, मगर हाले अब के वो उलझी थी। ये मौजू तो उसने अभी तक हाले के साथ डिस्कस भी नहीं किया था। फिर मैंने कहा था ना ये सब बेकार की बातें हैं, मगर मैंने पूछा ही क्या है। ARP अब्दुल रहमान पाशा। और कौन? मैंने बताया था ना कि ये घरेलू औरतों के अफसाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये इस्तांबुल है, यहाँ कानून का राज है, माफिया का नहीं। अब इसके बाद मैं इस मौजू पे कुछ नहीं सुनूंगी। हाले अब पलट कर झाग से भरी प्लेट को पानी से खंगाल रही थी और वो हैरतों के समंदर में गिरी खड़ी थी। ARP अब्दुल रहमान पाशा। ओह ये ख्याल इसे पहले क्यों नहीं आया? ओके ओके, वो बज़ाहिर सर झुकाए टमाटर काटने लगी, मगर इसके जहन में बहुत से ख्यालात गटमच हो रहे थे। हाले और जहान दोनों एक जैसे थे और अपने इस्तांबुल के दिफा के अलावा कभी कुछ नहीं कहेंगे, इसे यकीन था। मगर किसी के पास तो कुछ कहने के लिए होगा और इसे इस किसी को ढूंढना था। वो मेज़ लगा रही थी जब जावेद भाई आ गए। वो PhD कर रहे थे और सबांझी में पढ़ाते भी थे। बेहद मिलनसार, सादा और खुश अखलाक से देसी मर्द थे, पुराने पाकिस्तानी प्रोग्रामों के शौकीन और परस्तार। TV के साथ रैक में अनकहीं तन्हाइयां, धूप किनारे, आंगन टेरा, अलिफ नून समेत बहुत से क्लासिक ड्रामों की DVDs कतार में सजी थी। इन दोनों मियां बीवी का एक दूसरे के लिए तर्ज तखातुब बहुत दिलचस्प था, जावेद जी और अंजू जी। इसे बहुत हंसी आई, बाकी तीनों के चन में थी। जब हया पानी रखने में इस पर आई तो जावेद भाई को तन्हा बैठे पाया। वो किसी किताब की गर्दानी कर रहे थे। जावेद भाई, वो गड़बड़ा कर तस्दीक करती इनके सामने कुर्सी खींच कर बैठ गई। वो मुख्तात नज़रों से जावेद मुख्तात नज़रों से किचन के दरवाजे को देखा। एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी पूछिए, वो फ़ौरन किताब रख कर सीधे हो बैठे। इस्तांबुल में एक इंडियन मुस्लिम रहता है, अब्दुल रहमान पाशा नाम है, आप इसे जानते हैं? वो मुख्तात सी कुर्सी के किनारे टिकी बोलते हुए बार बार किचन के दरवाजे को भी देख लेती। कौन पाशा? वो बब्बू गदा वाला। और हया को लगा इसे इसके जवाब मिलने वाले हैं। जी जी वही, वो खासा मशहूर है। हाँ सुना तो मैंने भी है, बब्बू गदा में इसका काफ़ी होल्ड है, वो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। क्या वो माफिया का बंदा है, असला स्मगल करता है? एक प्रोफेसर को माफिया के बारे में क्या मालूम होगा हया जी, वो किसी आहट से मुस्कुराए। यानी कि वो वाकई माफिया का बंदा है और आपको मालूम भी है, मगर आप एतराफ़ नहीं करना चाह रहे। उसने अंधेरे में तीर चलाना चाहा। मैं ठीक से कुछ नहीं जानता, उन्होंने सादगी से हथियार डाल दिए। दफ़तन किचन से अंजुम बाजी की चीख बुलंद हुई। वो जो कुर्सी के किनारे पे टिकी थी घबरा उठी और किचन की तरफ लपकी। क्या हुआ? अंजुम बाजी सुरख बबू का चेहरा और आंखों में पानी लिए खड़ी थी। इनके हाथ में खाली चमचा था,
मिर्चें, इतनी मिर्चें हया? न न नहीं, ये तुर्की की मिर्चें फीकी होती हैं, तो मैंने सिर्फ 4 चम्मच। 4 चम्मचे? इनकी आंखें फैल गईं। ये तुर्की की नहीं, खालिस बेई की मिर्चें हैं, मैं सारे मिसाले वहीं से लाती हूँ। ओ नहीं, उसने बे अख्तियार दिल पे हाथ रखा, जबकि नीचे हाथ सस कर दोहरी हो रही थी। सर्दी का जोर पहले से ज़रा टूटा था। इस सुबह भी सुनहरी सी धूप टैक्सम स्क्वायर पर बिखरी थी। मुजस्मा आज़ादी के गिर्द हर सू सोने के जर्रात चमक रहे थे। वो दोनों सुस्त रवि से सड़क के किनारे चल रही थी, जब डीजे ने पूछा, हया, ये टैक्सम नाम कितने मज़े का है, इसका मतलब क्या हुआ भला? मैं शहर की मेयर हूँ, जो मुझे पता होगा। नहीं, वो मेरी गाइड बुक में लिखा था ना कि टैक्सम अरबी का लफ्ज़ है और इसके मायने शायद बांटने के हैं, क्योंकि यहाँ से नहरें निकलकर सारे शहर में बंट जाती थी। तुम्हें अरबी आती है, इसलिए पूछ रही हूँ। अरबी में तो टैक्सम नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है, और अरबी में बांटने को तकसीम कहते हैं। वो एकदम रुकी और बे अख्तियार सर पे हाथ मारा। ओ, टैक्सम यानी तकसीम। अगर गोरों की तरह मुंह टेढ़ा करके पढ़ो, तकसीम टैक्सम यानी टैक्सम बन जाता है। टैक्सम, ओ वाओ। वो दोनों इस बात पे खूब हंसती हुई आगे बढ़ने लगी। वो शॉपिंग के इरादे से आज इस्तकलाल स्ट्रीट की तरफ आई थी। इस्तकलाल जद्देसी, इस्तकलाल कैडिस। टैक्सम के करीब से निकलने वाली एक लंबी सी गली थी। वो अगली दोनों इतराफ से कदीम आर्किटेक्चर वाली ऊंची ऊंची इमारतों से घिरी थी। गली बेहद लंबी थी। वहाँ इंसानों का एक रश हमेशा चलता दिखाई दे रहा होता। बहुत से सामने की तरफ जा रहे होते और बहुत से आपकी तरफ आ रहे होते। हर शख्स अपनी धुन में तेज तेज कदम उठा रहा होता। गली के दरमियान एक पटरी बनी हुई थी, जिस पर एक तारीखी सुर्ख रंग का छोटा सा ट्राम चलता था। वो पैदल इंसान की रफ्तार से दुगनी रफ्तार से चलता और गली के एक सिरे से दूसरे तक पहुंचा देता। इस गली को ख़त्म करने के लिए भी घंटा तो चाहिए था। वहाँ दोनों इतराफ में दुकानों के चमकते शीशे और ऊपर कुमकमे लगे थे। बाजार, नाइट क्लीनर्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, डिज़ाइनर वेयर, गर्ज हर किस्म की दुकानें वहाँ मौजूद थी। चंद रोज़ पहले वो इधर आई तो सिर्फ विंडो शॉपिंग में ही 2.5 घंटे गुजर गए, और तब भी वो इस्तकलाल जदेसी के दरमियान पहुंची थी। सो थक कर वापस हो ली। हया, तुमने देखा, इस्तकलाल स्ट्रीट जैसे मॉडर्न इलाके में भी हर थोड़ी दूर बाद प्रेयर हॉल ज़रूर हैं। बड़े नेक हैं बे तुर्क। वो दोनों तंजिया हंसी और फिर मतलाशी निगाहों से इधर उधर देखने लगे। इस्तकलाल स्ट्रीट आने का असल मकसद जहान से मिलना था, और वो सिर्फ इसलिए यहाँ आई थी कि बर्गर किंग जाए। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कहकर इससे मुलाकात का बहाना ही ढूंढ ले। वो दोनों साथ साथ तेज़ रफ्तारी से चल रही थी। वहाँ हवा तेज़ थी और हया के खुले बाल उड़ उड़ कर इसके चेहरे पर आ रहे थे। वो बार बार जैकेट की जेब से हाथ निकालती और इन्हें कानों के पीछे उड़ती। तभी उसने बर्गर किंग का बोर्ड देखा तो डीजे को बताए बिना रेस्टोरेंट के दरवाजे तक आई, और इससे पहले के दरवाजे पे हाथ रखती दरवाज़ा अंदर से खुला और कोई बाहर निकला। वो बे अख्तियार एक तरफ हुई। वो जहाँ था वो इसे पहचान गई थी, मगर वो अकेला नहीं था। वो इसके सामने आता साथ से गुजर कर निकल गया तो वो पलट कर देखने लगी। डीजे ने इसे रुकते नहीं देखा था। वो अपनी धुन में दुकानों को देखती चलती गई और लोगों के रेले में आगे बह गई। हया यूं ही अपने घुटनों तक आते से कोट की जेबों में हाथ डाले इसे देख रही थी। अब वो हवा के रुख पे खड़ी थी तो इसके बाल पीछे की तरफ उड़ने लगे थे, जहाँ इससे दूर जा रहा था। इसके साथ एक दरासकत लड़की भी थी। कोट स्कर्ट में मलबूस अपने सुर्ख बालों को ऊंचे जूड़े में बांधे वो लड़की नागवारी से हाथ हिला हिला कर कुछ कह रही थी। जहाँ ने इसे नहीं देखा, इसे यकीन था। वो दौड़कर इनके पीछे गई। वो दोनों बहुत तेज चल रहे थे। इनकी रफ्तार से मिलने की सही में वो एशियाई लड़की हाँफने लगी थी। बमुश्किल वो इनके आयन अकब में पहुंची। लड़की बुलंद आवाज में सर हिलाती कुछ कह रही थी। जहाँ भी खासा झुंझलाया हुआ जवाबन कुछ कह रहा था, वो तुर्क बोल रहे थे या कोई दूसरी जुबान, वो फैसला न कर पाई। शायद तुर्क नहीं थी। वो बहुत लंबे लंबे फिक्रे बोल रहे थे, और जितनी तुर्क हया ने अब तक सुनी थी वह ऐसी नहीं थी। तुर्क में फिक्रे छोटे होते थे, बस फेल इस्तेमाल किया और इसके आगे पीछे सांप के लहके लगा लगा कर एक बड़ा लफ्ज़ बोल दिया, जो मायने में कई फिक्रों के बराबर होता था। जहाँ जहान, वो शोरोश में बमुश्किल इतनी आवाज़ से
से पुकार पाई कि वो सुन सके। इसकी तीसरी पुकार पे वो रुका, लड़की भी साथ रुकी। वो दोनों एक साथ पलटे। जहान, इसके होंठ जहान को देखकर एक मासूम सी मुस्कुराहट में ढलने लगे थे। क्या मसला है? उसने संजीदा उखड़े उखड़े अंदाज में अब्रू उठाए। इसके चेहरे पे इतनी सख्ती और नागवारी थी कि हया की मुस्कुराहट में खुलते लब बंद हो गए। इसका रंग फीका पड़ गया। जी जी